आज का दिन गोवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, नई राजनीति के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बोला, गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारे पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है, गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई, उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। मुझे बड़ी खुशी होती है गोवा के। मैं इस दौरान कोने कोने में गया हूं, कहीं कोने में चले जाइए, किसी भी गरीब से गरीब आदमी से गोवा के कोने में बात कर लीजिए, वो भी कहेगा हाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, बिजली फ्री कर दी। ये तीन चीजें तो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, ये तीन चीजें तो मुझे लगता है गोवा के कोने कोने में हर आदमी तक पहुंच चुकी है कि इन्होंने अच्छा काम किया एंड गोवा वॉन्ट्स चेंज। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, और इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे हैं जो कि नए चेहरे हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, आम गोवा के लोग हैं, वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। और गोवा का जो सीएम का चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी एक नया चेहरा होगा। हमने आपको कहा था कि हम एक ऐसा चेहरा देंगे जिसके दिल में गोवा बसता है, जिसका दिल गोवा के लिए धड़कता है, और जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। एक और बात है, अभी तक गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज, उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीपली हर्ट, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने एक, हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, केपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं,
पायलट्स हैं, कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। इन्होंने टू मिनट्स, ये पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की, मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमित। All right, the CM face for the Aam Aadmi Party in Goa has been announced like was expected. It is Amit Palekar. He is somebody who is in a very Kejriwal style of politics, had been on a hunger strike on various issues in Goa, comes from the Bhandari community, which forms almost 35% of the Goa population there. So all those tick marks there coming in his favor. He is the same person who sat on a hunger strike against the illegal bungalow being constructed in the old Goa heritage premises. And after his strike, the state government had to take action against that disputed structure. Arvind Kejriwal had joined him in that strike. He has of late been his closest confidant in Goa in terms of elections and decisions being taken there. So, Arvind Kejriwal announcing the CM face for Aam Aadmi Party in Goa, it is Amit Palekar.